चार धाम यात्रियों के रास्ते पर तूफान के चलते गिरा भारी भरकम पेड़, होटल के अंदर बैठी महिला की हुई मौत। यमुनोत्री हाईवे से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां तेज बारिश और तूफान के चलते एक बड़ा चीड़ का पेड़ टूटकर गिर गया है। और दुर्भाग्य ये रहा कि ये पेड़ एक होटल के अंदर जा गिरा, जिस वजह से होटल की स्वामिनी की मौत हो गई। ये हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये पेड़ सीधे होटल के रिसेप्शन के अंदर जा घुसा। इन दिनों यमुनोत्री हाईवे पर भी गाड़ियां खूब आवाजाही कर रही है, और ऐसे में भारी बारिश और तेज हवाएं बड़ी मुसीबत बन रही हैं। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे के वक्त ना तो सड़क पर गाड़ी थी और ना ही होटल में कोई यात्री, वरना इस पेड़ की चपेट में अगर कोई और आता तो उसका क्या अंजाम होता, इसका आप अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये घटना यमुनोत्री नेशनल हाईवे के खरादी कस्बे की है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद पेड़ को काटा गया और जेसीबी मशीन की मदद से इस भारी भरकम पेड़ को सड़क से हटाया गया। लगातार ही बारिश भी जारी है। मौके पर पहुंची हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से ये हादसा हुआ। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी और साथ में जो अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते जो है लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में और आइसोलेटेड जो जिले हैं वहां पर जो है भारी से भारी वर्षा होगी, साथ में झक्कर चलेगा, बिजली गिरने की भी जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के खरादी कस्बे में, और आप यहां पर देख सकते हैं एक पेड़ पहाड़ी से गिर करके बिल्कुल ये भवन के अंदर जा घुसा, जिससे जो है जैसा कि यहां पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक महिला की मौत भी हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा एहतियातन जो है ट्रैफिक रोका गया है, जो तीर्थयात्रियों के वाहन है उनको सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है, जब तक मार्ग नहीं खुल जाता उसके बाद ही आवाजाही शुरू हो पाएगी। प्रदेश मीडिया प्रवक्ता हमारे साथ हैं यहाँ पर मनवीर चौहान जी, जो कि घटनास्थल पर आए, इनसे जानकारी चाहेंगे। सर आप यहाँ पर हैं, किसी की मौत होने की सूचना है? आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। यहाँ पर अभी एक होटल है, उस होटल में जो है अपने वो रुके हुए थे, वो स्थानीय उनके उन्हीं का होटल है, और सभी परिवार के साथ सभी लोग खड़े थे, लेकिन देखते देखते सामने से पेड़ आया और बड़ी दर्दनाक मौत जो है उनकी हुई है, और बाकी लोग ये सकुशल एक जो उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से सभी लोगों को थोड़ा जब मौसम के अलर्ट किया गया, सबको इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इसलिए सभी को जो भी लोग यहाँ पर यात्रा पर जो आ रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि मौसम विभाग के जो अलर्ट जारी किया गया उसका सभी लोग पालन करेंगे तो सभी की जीवन सुरक्षित भी रहेगा और सबको उसका मतलब सबके सुखमय भी रहेगा। ये प्रदेश मीडिया प्रभारी इनके द्वारा कहा भी गया है और अपील की गई है तीर्थयात्रियों से भी और साथ में स्थानीय लोगों से भी कि मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी होता है उसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं हम, चूंकि प्रदेश सरकार आपकी ही है और आप उसके अंग भी हैं। सर ये पेड़ गिरने की जो घटनाएं अमूमन देखने को मिल रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, वन विभाग इस पर को आवेदन भी दिए जाते हैं कि जो जिस पेड़ से दुर्घटना होनी हो, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं देता, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ऐसा घटनाएं चाहे जो भी घटनाएं होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत होती है, कोई पेड़ अगर इस तरह से गिरने वाला पेड़ हो तो उस पर जरूर जो है गंभीरता से वन विभाग को लेना चाहिए उसको, और साथ ही लेकिन जिस जो अभी की घटना है मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस प्रकार की कोई घटना है वो, लेकिन गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है, विभाग को लेनी चाहिए गंभीरता से। तो विभाग को वास्तव में जो है गंभीरता से इन मुद्दों को लेना चाहिए। यदि कोई हाउस होल्डर अगर जो है वन विभाग के पास जाकर के पेड़ को लेकर के कोई एप्लीकेशन देता है कि उस पेड़ से उसको असुरक्षा हो रही है, तो विभाग को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये भविष्य में जो होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उससे बचा जा सकता है।